सो है गाइस, इट्स मी ठाकुर प्रियांशु। वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज है हमारा राखी और मैं सुबह सुबह नहा वहा के रेडी हो गया क्योंकि आज के दिन राखी बनवाना है, लेकिन किससे बनवाना कुछ पता नहीं है। और कुछ देर पहले अभी मेरे को पता चला, मम्मी ने बताया कि राखी आज नहीं है। आज भी है राखी, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद है, क्योंकि कुछ ग्रह वरह का सीन है। 7 बजे से पहले राखी नहीं बंधा रहा है। हमारे भाषा में उसको भद्रा कहते हैं, तो वो हुआ पड़ा है। 7 बजे के बाद राखी बंधवाने का सीन है। और कल सुबह में जो मुहूर्त है 7 बजे से पहले, आज 7 बजे के बाद, कल 7 बजे से पहले, पता नहीं 7 बजे का क्या चक्कर है। तो कल सुबह में भी जो मुहूर्त है वो 7 बजे से पहले बनवाना राखी। तो देखते, इतना ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो चुका है कि शाम में तो जा नहीं सकते, और मेरे को सासाराम भी जाना है दीदी से राखी बनवाने। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, एक बार ब्लॉग में दिखाया था बाबू को, तो वहीं पर जाना है मेरे को राखी बनवाने की। दीदी से हर साल बनवाने जाता हूँ, तो देखते कैसे कैसे क्या करते हैं। और मामा लोग आने वाले थे, तो मामा लोग भी, कुछ मामा आज शाम में आने वाले हैं और कुछ मामा कल आने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन पहले पहुंचता है और हम किस किस के पास जाते हैं। जिस जिसके पास जाऊंगा सब कुछ दिखाऊंगा, डिटेल में आपको राखी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे राखी मनाते हैं हम लोग के इंडियन फेस्टिवल में। चेक कर रहे हो, ये वही महिला है क्या जो कल वाली थी? मामी एकदम रेड रेड पहने के, रेड रेड मम्मी का बेड और ये मम्मी का कपड़ा मैच कर रहा है। और ये रहा हमारा खाना, आज काफ़ी अच्छा खाना बना, देख सकते हो लोग, छोले पूड़ी और सेवई। मम्मी हम तो पूड़ी ना खाई ना यार, आज खाई जला। अच्छा ठीक है। और देख सकते हो कि टेबल क्लॉथ भी चेंज कर दिया है मम्मी ने। ओ माय गॉड, इधर आओ यार, अपने ऑडियंस को बोलो यार, तुम्हारे चलते मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली बड़ी हो रही है धीरे धीरे। बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, जोर से यार मम्मी, खाने परिवार की हो, कैसे जोर से बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। यस मॉम, दिस इज अ स्पिरिट। और बोलो आप सबको हैप्पी राखी। हैप्पी राखी। आप अपनी बहनों को जाकर, बहनों से बंधवाना और ज़्यादा खर्चा मत करना, बोलो। नहीं गाइस, आज का दिन बहनों के लिए, पैकेट हल्का होता है तो होने दो, लेकिन किसी चीज़ की कमी मत होने देना। मैं तो मिस कर रहा हूँ अपनी बहन को सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2-3 साल जब से दीदी की शादी हुई तब से, मतलब उससे राखी नहीं बनवा पा रहे, क्योंकि वो कहाँ रहती है मैं कहाँ रहता हूँ, इसके चलते तो बहुत ज़्यादा उसको मिस करते हैं। अपनी बहन तो अपनी बहन ही होती है यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा कर लें। आप लोगों की वजह से, आप लोग अगर सपोर्ट रहेगा तो अगले साल दीदी के पास पहुंच भी जाएंगे हम लोग राखी बनवाने के लिए। और बाकी वीडियो कॉल पे ही काम चला लेंगे, अभी चलते खाना वाना खाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो अंधेरा आ गया, सॉरी गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बन रखा है और तेरी लग गई चोट यार। तो गाइस, अभी का सीन ये है हमारा कि पापा ने कॉल किया, मैंने खाना वाना खा लिया, ब्रेकफास्ट सब कुछ कर लिया हमने। तो अभी सुबह के 11:30 हो गए, तो अभी पापा ने कॉल किया। पापा गए थे मोनी, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हमारे ग्रुप से 20 किलोमीटर पे HDFC बैंक है, वहाँ पे मेरे मामा मैनेजर हैं, तो उन्हीं के पास पापा गए थे। कुछ उनको बैंक अकाउंट का कुछ काम था, तो उन्होंने उनका वो गलती से भूल चुके थे अपना, ये क्या कहाँ है वो, ये क्या होता है, मतलब पैसे वैसे निकालते हैं जो, ये चेक बुक ना मम्मी, चेक बुक कहते हैं, चेक बुक इसको कहते हैं, देख सकते हो आप लोग पूरा ये चेक बुक। तो पापा ये भूल चुके थे, तो इसको ले जा करके पापा को देना, तो अभी कॉल किए कि अर्जेंट है, छूट चुका है राजा, तू लेके आ जा, प्रियांशु तुम लेके आ जाओ। पापा ने मेरे को, मम्मी को कॉल किया, फिर मेरे को कि तुम लेके आ जाओ फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है इसको, पापा छोड़ चुके हैं। तो देखते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से अभी तुरंत, क्योंकि पापा को अर्जेंट चाहिए, तो मेरे को खुद ही जाके जाके देना पड़ेगा उनको। तो घर से भी हम निकल रहे हैं, मम्मी से पैसे वैसे मैंने ले लिए, फिर निकलते हैं घर से, उसके बाद मैं निकल के आपसे मिलता हूँ। देखते हैं कैसे जाते हैं, अभी कोई देखते हैं बाइक होगा तो बाइक ले लेंगे, नहीं तो बस से कैसे भी चल लेंगे, क्योंकि अर्जेंट है। सब कुछ ले लिया, इसको डिक्की में ही डाल लेंगे, निकलते हैं। मम्मी 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 मम्मी, तो गाइस मम्मी को पहले एक बार बाय, मम्मी का आशीर्वाद दे लेते हैं, जाने मम्मी जाए। और गाइस एक चीज और बतानी है कि एक मम्मी के भाई आकर के रागी बनवा के रोकड़ा पानी दे करके चले गए, और वही पैसा मैंने मम्मी से ले लिया। मैंने बोला मम्मी दे दो गाड़ी वाड़ी के लिए, गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे, नहीं तो बस से जाएंगे जैसे भी, तो पैसे मैंने ले लिए। और मम्मी का मुंह बना हुआ है कि पहला अभी बनी का टाइम हुआ है, पहला भाई आके दिया, तो अभी हम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते फटाफट, क्योंकि अर्जेंट है इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मैं मिलता हूँ आपसे बाइक पे या बस से, जैसे भी जाऊंगा पहले वहाँ पे चल के मिलते हैं आपसे। चल चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो भैया की बाइक है, सोच रहा हूँ इसी से चला जाऊँगा, भैया को बता दूंगा कि जा रहा हूँ। ये डिक्की क्यों नहीं इनका खुलता है, पता नहीं क्या दिक्कत है डिक्की में, अच्छा उल्टा मैं खोल रहा हूँ वही। तो निकलते हैं, इसको पासबुक को इसी में डाल लेता हूँ, यहाँ पे हल्का सा पानी दिख रहा है यार, नहीं है ना, तो इस पर ऐसे कपड़ा डाल देते हैं कि पासबुक भींगे ना, और इसको नॉर्मली इतने पे करके छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, और बंद हो जा भाई साहब, बंद हो जा, बंद हो गया।
अब इसका इग्निशन ऑन करते हैं, निकलते हैं फटाफट से क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है और पापा को काफ़ी जल्दी है, तो निकलते हैं। तो गाइस अभी का ये है कि यहाँ से बस मात्र 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, रिजर्व में लग गया, तो वहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे, फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट। भैया 100 का कर दीजिएगा। अभी आ चुके हैं बैंक में, बस ऊपर में ही बैंक दिख रहा, HDFC बस ये रहा, देते हैं पापा को फटाफट, देख करके निकलते, देखते कितना टाइम लगता है अभी यहाँ पे। तो गाइस हमारा काम हो चुका है अभी पूरा का पूरा, क्योंकि पापा को मैंने दे दिया 5 मिनट वहाँ पे रुके थे, क्योंकि मेन चीज़ है कि मामा ही HDFC में हेड ब्रांच मैनेजर है, उसके चलते कोई भी काम होता तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो अभी फटाफट निकलते हैं घर कुतरा। गाइस चेक करो हमारी बुलेट वो रही, पापा ऊपर है तो बुलेट यहाँ पे उन्होंने, अबे यार अंकल हट जाओ, देख सकते हो बुलेट हमारी वो लगी हुई पड़ी है, पापा ऊपर है ना, इसके चलते बाइक उस साइड में लगा दिया है। यहाँ पे मेन चीज़ है कि पार्किंग है, इसके चलते रोड पे ही लगता है। तो हम लोग फटाफट निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकता है, तो निकलते हैं हम लोग फटाफट घर। तो गाइस मैं जा रहा था अभी कुतरा के लिए, तो बस यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ, तो कुछ पानी वानी पीने के लिए, तो मैंने देखा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो गाइस क्या है, ये मतलब ये हम लोग बिहार में रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ भी वहाँ पे भी पड़े हुए हैं, कुछ वहाँ पे भी पड़े हुए हैं, कहाँ गए वहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये देखो लाल को, मतलब यही सारी चीज़ें चल रही हैं बिहार में, बस बिहार दारू मुक्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये देखो इतने सारे 10-15 बॉटल उधर भी पड़े हुए हैं, अभी दिख नहीं रहे, लेकिन देख लो आप लोग। पता है गाइस बिहार बस बोलने के लिए कि बिहार में शराब बंद हो चुका है, दारू मुक्त हो चुका है बिहार, लेकिन आपको मैंने दिखाया ना सड़क के किनारे ऐसे ही 10-15 बॉटल फेंके हुए थे, और मैं जा रहा था अचानक से रुक गया और वहीं पे देखा कि ये सारी चीज़, तो मैंने गाड़ी को थोड़ा आगे लिए, फिर देखा प्रॉपर जगह से कि मतलब वहाँ पे 10-15 यहाँ पे भी फेंके हुए हैं बॉटल आपको जैसे कि दिखाया मैंने, और जो पाउच वाले होते हैं वो 3-4 तो उधर ही फेंके हुए, जूम करके मैं दिखा नहीं पा रहा था, क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन यही है बिहार में कि बिहार में बस बोलने के लिए और कुछ नहीं है, देख ही सकते हो रोड के किनारे ऐसे फेंका हुआ, पूरा कचरा तो फेंका ही रहता था। लेकिन अब ऐसा दिन आ चुका है बिहार का कि सड़क के किनारे दारू के बॉटल से मिल रहे हैं, और आधे आधे तो कुछ में भरे हुए भी थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और ऐसे ही सब नेचुरल मतलब जितनी भी प्रकृति की खूबसूरती है सब बर्बाद लोग कर रहे हैं, और बस यही चल रहा है बिहार में और कुछ नहीं चल रहा है। इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे क्या फेंका हुआ, लोग अपने लाइफ में मस्त रह रहे हैं। लेकिन इससे ये होता है ना कि बिहार डूब रहा है, इसके चलते मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें दिखानी जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं दिखाता ये सारी चीज़ें, कोई यूट्यूबर अपने वीडियोज़ में ये नहीं दिखाता है निगेटिव चीज़ें, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे ये वीडियो को और आप लोग प्रमोट करो और आप लोग सपोर्ट करो मेरे को कि ये ऐसी वीडियोज़ और मैं आगे बढ़ाऊँ, जिसके चलते बिहार और लोग की सेहत पे कोई असर ना पड़े। तो गाइस यही चाहता था मैं बस आपको दिखाना कि ये है, और अभी फटाफट निकलते हैं घर के लिए, डायरेक्ट यहाँ पे घर पे मिलता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और वहाँ पे इस साइड में देखते हो तो पूरा काला हुआ पड़ा, क्योंकि बहुत तेज़ वाली बारिश आ रही, तो निकलते हैं फटाफट हम लोग। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मोनिया से घर पे, और अभी आते आते मैंने थोड़ा आराम कर लिया था मैं, और भैया भी आए हुए देख सकते हैं आप लोग की भैया है, हाँ रखे पैकेट में, आधा के जी पनीर हमें लेना है, और कल जो गिफ्ट देना है उसके लिए कुछ चॉकलेट्स लेने हैं, तो पैसे वैसे ये ले लिए, पैसे चलते हैं कुछ देखते हैं, जो 100-100 रुपये का मिलेगा वो लेके दे देंगे, 10 रुपये की राखी सब बांधेगी तो 100 रुपये चूना लगाएगी सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फटाफट, पनीर भी लेनी है और थोड़ा कुछ लेना है हम लोगों के लिए चॉकलेट वॉकलेट, तो पैसे ले लिए, चलते हैं फटाफट, मैं और भैया जा रहे हैं, और देखते हैं क्या मिलता है 100 रुपये के अंडर में, कुछ गिफ्टिंग के लिए दे देंगे यार, अभी जॉब वॉब कमाओ हमारा थोड़ी रहा है कि देंगे, जब जॉब करेंगे कमाएंगे तब अच्छा कुछ देंगे, अभी इतना ही काफ़ी है मैं, तो चलते हैं फटाफट। वाला आपको दिख रहा है जैसा कि यही हमने लिया है गिफ्ट के लिए, 3 है अभी, 3 और हमें लेना है, लेते हैं, इनके पास तो नहीं है, ढेर सारे मतलब, और ये भी मूड था लेने का ये वाला देख सकते हो आप लोग, लेकिन ये वाला भैया ले रहे हैं ये वाला, और हम लोग यही लेते हैं अपना मस्त अपना। गाइस मम्मी के लिए लाए हैं हम लोग चॉकलेट, मम्मी के लिए भी इसमें दिखाता हूँ,
बहुत सारा चॉकलेट ले लिए यार आज। मम्मी खुद निकाला ना, मम्मी निकाला। हाथ धुल रही हो? हाँ धुल लो मम्मी, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाए हैं इतने सारे, तुम भी बन जाओ बच्ची। नमा निकाला, एक एक ठे निकलिए, एक एक ठे, ठीक है, एक एक ठे निकाला, एक एक ठे निकाला ना, एक और साइड में वहाँ रखा, वहाँ वहाँ, एक दो, ये सारी चीज़ें मम्मी के लिए हैं। तीन निकालते रहो मम्मी, गाइस देख रहे हो मम्मी का जैकपॉट लगा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है मम्मी, खोलो 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 खोलो, एक एक मम्मी, एक 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 निकालो, चार। मम्मी तो एकदम बच्ची की तरह एकदम हंस रही है यार, एकदम एक नंबर, मम्मी हंस रही है बच्चों की तरह, देखो सरिया गई सरिया, अरे अरे अरे, चार पाँच और छः, वाह मॉम वाह, इतने बड़े बड़े डेरी मिल्क, छः और निकालो मैं, और गैस तो तुम्हें जैकपॉट मम्मी लगा है, जी लो अपनी जिंदगी चॉकलेट वाली। और इसमें क्या है, क्या इसमें, अरे इसमें छोटा छोटा चॉकलेट, इसको भी निकालो, सब निकालो, आज सब तुम्हारे लिए मम्मी। गाइस देख रहे हो कितने सारे चॉकलेट, यो ये देखो मम्मी सरिया कैसे रही है भाई, वाह वाह, अरे मम्मी वाह, देखो इतने सारे ये हो गए चॉकलेट, और निकालो मैं, अब मेन मेन अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा, गाइस मेन अभी हमारा निकल रहा है, अभी दिखा दो मेन चॉकलेट जो है, निकाल दी मम्मी, अरे ये खोलो मत, ये सील पैक है ना, ये बहुत महंगा पड़ा यार कैडबरी का ये वाला, बहुत उसमें बहुत तगड़ा चॉकलेट भी, अब मेन हमारा ओपन होने वाला है, मेन हमारा मेन जो था, निकालो ना, ओ बाहुबली। तो गाइस देखो, देख रहे हो, चेक करो यार, इतने सारे चॉकलेट्स, बड़े बड़े, बहुत मोटा खर्चा हो गया है, और ये सारी सारी चीज़ें मम्मी के लिए, कैसा लग रहा है मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है, सारा तुम्हारे लिए है सारा, पापा को मत देना एक भी, ठीक है, ठीक, पापा को नहीं दोगी ना, इना की पापा को दे देना। यार मम्मी तो एकदम खुश हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मम्मी है प्यारी मम्मी। लेकिन एक और चीज़ बता दें, ये सारे गिफ्ट मम्मी के लिए नहीं है, बस मम्मी के लिए अभी तक है, लेकिन ये सारे गिफ्ट देने हैं मेरे को, जो जो मेरे को राखी बांधने का, तो सारे उन लोगों के लिए गिफ्ट है। कल सासाराम हमें भी जाना है दीदी को राखी दीदी से बनवाने, तो जितने भी आज शाम में भी मामा आने वाले, तो उनकी दो दो बेटियां, मतलब जितने भी लोग हैं सबके लिए ये सारी शॉपिंग अभी करके आ गए हैं, क्योंकि कल सुबह मेरे को टाइम फिर नहीं मिलने वाला, आज जो आएगा उसको बनवा के दे दूंगा, और कल भी देना है सारी चीज़ें। तो एक बार देख लो यार कितने सारे चॉकलेट्स भाई, लेकिन बहुत मोटा खर्चा हो गया, बहुत मोटा वाला खर्चा, तो और पनीर भी लेके आ गए, अभी देखते हैं मामा लोग कब से आ रहे हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है, और घर पे आज कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और सब लोग कॉल करके बस यही पूछे जा रहा है कि बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, तो बारिश हो रही है तो आज कोई नहीं आ पा रहा, तो सब लोग कल आने वाले हैं, सुबह आने वाले, क्या हम कोई आएगा नहीं, तो हम लोग जाएंगे, और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, और आज का ब्लॉग कौन एंड करेगा, मम्मी। तो मम्मी बोलो बोलो, ब्लॉग एंड करो, सो गए गाइस वाला नहीं लो, याद भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार ट्रेंड करते हैं, जैसे जैसे मम्मी हमेशा बोलती रहेगी वैसे वैसे इसको आदत हो जाएगी, तो सो है गाइस, सो है गाइस ना, सो गाइस, सो गाइस, आज का आज नहीं। तो ऐसे बोलो मम्मी, आओ, सो गाइस, सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आज का ब्लॉग जोर से, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं किसी अच्छे, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट कंटेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं मॉम, कंटेंट के साथ, तो तब तक के लिए टाटा टाटा, बाय 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 बाय। और एक और चीज, एक डायलॉग मम्मी नहीं मार रही है, तो बोलो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा लाइक कर देना, प्यारा सा लाइक कर देना, और एक ऊपर से कमेंट भी कर देना, एक ऊपर से कमेंट, और आप लोग बस सपोर्ट करो हम लोगों को, सपोर्ट करो हम लोगों को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Hey, मम्मी, सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।